मैं क्या कुछ कहना चाहूँगा, आज ऐतिहासिक शहर कुरुक्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है उसके आरती के मौके पर आज आने का मौका मिला। और जिस तरह से भगवान कृष्ण ने जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके अंदर अपना संदेश दिया था कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, तो उसी आधार पर आज हमारा जो गीता हमारे जीवन का सार है और हमारा जो सारा जीवन है कर्म प्रधान है और उसी के गिर्द हमारा ये जीवन होता है। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि भाई सबको गीता का ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज गीता केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर गीता का प्रचार हुआ है, उसी के आधार पर सब लोग चल रहे हैं। जो बाहर से करने वाली संदेश पूरे दुनिया के अंदर तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर, जो भारतीय जनता पार्टी के कल मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वो भी सायंकालीन आरती में पहुंचे हुए थे। देखो, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सब जो हमारा धर्म को बढ़ावा देते हैं और जो हमारी गीता जो पूरे विश्व के अंदर जो आज प्रचलित हुई है उसका भी श्रेय हमारी पार्टी को ही जाता है जो कि इतने लार्ज स्केल पर गीता का प्रचार प्रसार किया है। तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा थी उस टाइम पे, जो राहुल गांधी है वो भी यहाँ पर आरती में सम्मिलित हुए थे। देखो, हम जो हिंदू धर्म है उसके लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब लोगों को मान सम्मान करना चाहिए गीता का और उसका संदेश पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए।